तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रामायण के पुख्ते सबूतों के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है और बचपन से ही हम इस बेहतरीन किस्से के बारे में सुनते आए हैं, कैसे रावण ने सीता माता का हरण किया और बाद में रावण और राम भगवान के बीच युद्ध हुआ और फिर कैसे रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि कई लोग आज भी रामायण को बस एक काल्पनिक कहानी ही मानते हैं। दोस्तों रामायण को महज एक काल्पनिक रचना मानना चाहिए या फिर भारत के इतिहास का एक विश्वसनीय दस्तावेज, इस बात को लेकर अक्सर बहस होती है, जहां आधुनिक इतिहासकार इसे इतिहास के विश्वसनीय दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वहीं कई धर्म समाजों का यह अटल विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। तो दोस्तों आज मैं रामायण के सच होने के ऐसे पुख्ते सबूत बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि रामायण एक सच्ची कथा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है रावण का महल। हाँ दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि लंकापति रावण के महल का अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की सबसे बड़ी पहली राजनीतिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा। दूसरे नंबर पर आती है सुग्रीव की गुफा। जी हाँ दोस्तों, बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में ठहरे थे वह गुफा आज भी मौजूद है। इस गुफा में सुग्रीव बाली के डर से ही छिपे थे। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानर राज बाली ने तुदुम्बवी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ योजन दूर फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए दुंदुभी के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गई। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह करतूत किसकी है। क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि यदि वह कभी भी ऋषिनुमक पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया तो वह इसी पर्वत पर एक गुफा में अपने मंत्रियों के समेत रहने लगा। यहीं उसकी भगवान राम और लक्ष्मण से मुलाकात भी हुई और बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। तीसरे नंबर पर आता है राम सेतु। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के माथे चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से ये पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील जो कि 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में ना रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम की दूसरी बड़ी राजनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र के पार उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। चौथे नंबर पर आता है पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ अलग होकर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उसे दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि वहां के किसी और आम पत्थर को पानी में डालने से वह डूब जाते थे। नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिन में
30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता है। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान समुद्र के किनारे इस पत्थर को देखा गया था। आज भी भारत के कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर हैं। पांचवें नंबर पर आता है लंका जलने के अवशेष। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग आज भी वही है। छठे नंबर पर आता है रामायण कालीन के 4 हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने रावण के रामायण कालीन के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह कमेटी श्रीलंका का कोना कोना छान रही थी, जिसके तहत कुछ छुटपुट जानकारी व अवशेष मिलते रहे, परंतु पिछले 4 साल में लंका के दुर्गम स्थानों में की गई खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंद का कहना है कि रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, जहां असानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा तथा वरियाला पोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले। सातवें नंबर पर आती है अशोक वाटिका। जी हाँ दोस्तों, अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहाँ रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से भी जाना जाता है, जहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। विरांग टोक, जो कि महियांगना से 10 किलोमीटर दूर है, वहीं पर रावण ने सीता का हरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। महियांगना मध्य श्रीलंका स्थित नुवारा एलिया का एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद सीता माता को जहां ले जाया गया था, उस स्थान का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतोकोटुआ नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान भी महियांगना के पास है। एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। इसके अलावा और भी स्थान श्रीलंका में मौजूद हैं, जिनका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। आठवें नंबर पर आता है संजीवनी बूटी पहाड़, जो कि आज भी मौजूद है। दोस्तों, तो आपने रामायण में संजीवनी बूटी का जिक्र तो सुना ही होगा। जब लक्ष्मण को क्षति लगी थी, तो इसी बूटी ने उनके प्राण वापस लौटाए थे। क्या आप जानते हैं कि आज भी इस जगह यह पर्वत मौजूद है? रामायण में संजीवनी बूटी लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान के संजीवनी पर्वत को पूरा उठा लाने वाला प्रसंग सभी जानते हैं। वैद्य सुषेण ने संजीवनी को चमकीली आभा और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। माना जाता है कि हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े करके इसे विशेष क्षेत्र में डाल दिया था। चौंका देने वाली बात तो यह है दोस्तों कि यह चर्चित पहाड़ श्रीलंका के पास रुमासला पर्वत के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उन्नावटा बीच इसी पर्वत के पास है। श्रीलंका के दक्षिण समुद्री किनारे पर कई ऐसी जगहें हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान के लाए हुए पहाड़ के टुकड़े गिरे पड़े मिले थे। इस जगह की खास बात यह है कि जहां जहां यह टुकड़े गिरे, वहां वहां की जलवायु और मिट्टी बदल गई। इन जगहों पर मिलने वाले पेड़ पौधे श्रीलंका के बाकी इलाकों में मिलने वाले पेड़ पौधों से काफ़ी अलग हैं। रुमासला के बाद जो जगह सबसे अहम है, वह है रीतिगाला। हनुमान जब संजीवनी का पहाड़ उठाकर श्रीलंका पहुँचे, तो उसका एक टुकड़ा रीतिगाला में गिरा। रीतिगाला की खासियत है कि आज भी जो जड़ी बूटियाँ उगती हैं, वह अपने आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग हैं। श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर
हाकागाला गार्डन में हनुमान के लाए पहाड़ का दूसरा बड़ा हिस्सा गिरा था। इस जगह की भी मिट्टी और पेड़ पौधे अपने आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग हैं। 9वें नंबर पर आता है दिवरमपोला। हाँ दोस्तों, यह वही जगह है जहाँ रावण से सीता को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने को कहा था, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। आज भी उस जगह पर वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने इस परीक्षा को दिया था। उस पेड़ के नीचे वहाँ के लोग आज भी अहम फैसले लेते हैं। 10वें नंबर पर आता है हनुमान जी के पैरों के निशान। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हनुमान जी के पैरों के निशान कहाँ कहाँ पाए गए हैं। श्रीलंका में हनुमान पदचिन्ह। हनुमान जी ने जब सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने भव्य रूप धारण कर लिया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां उन्होंने अपने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां मौजूद हैं, जिसे हनुमान पद चिन्ह कहा जाता है। लोपाक्षी में हनुमान पद। राम हनुमान के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। राम ने यहाँ जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की और दो शब्द कहे थे, ले पक्षी, जिसका तेलुगु में मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ आपको बहुत बड़े पैर के छाप मिलेंगे। इन पैरों के निशान के बारे में कहा जाता है कि यह हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। मलेशिया में हनुमान पद चिन्ह। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के भीतर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। आगंतुक अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद चिन्ह पर सिक्के फेंकते हैं। 11वें नंबर पर आता है कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव जी की आराधना करते थे और उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर की भी स्थापना करवाई। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज़्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे और उसके 10 सिर पर रखे 10 मुकुट उसके 10 जगहों के नेतृत्व को दर्शाता है। 12वें नंबर पर आता है पंचवटी। नासिक के पास आज भी पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं लक्ष्मण ने स्नूपनका की नाक भी काटी थी। 13वें नंबर पर आता है जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिता का नाम जनक था और इस शहर का नाम उन्हीं के नाम पर जनकपुर रखा गया था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है और उसी नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है, जानकी मंदिर। यहाँ सीता माता के दर्शन के लिए हर रोज़ हजारों श्रद्धालु आते हैं। 14वें नंबर पर आता है रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उनके हाथ से एक ब्राह्मण का कत्ल हुआ था। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना भी की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। एक शिवलिंग सीता माता ने बनाया जो कि रेत का था, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और 1 शिवलिंग भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी उसी मंदिर में है और इसीलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। 15वें और आखिरी नंबर पर आता है कोबरा हुड केव। कहा जाता है कि रावण जब सीता का अपहरण करके श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह रखा गया था। इस गुफा पर हुई नक्काशी इस बात का प्रमाण देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह रामायण के पुख्ते सबूत देखकर यकीन हो गया होगा कि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। अगर आपको इस बात का यकीन है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसके अलावा कोई और सबूतों के बारे में जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम। थैंक यू।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी, जय हिंद, वंदे मातरम।